इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होने वाली बातचीत। ये कॉन्वर्सेशन एक टीचर और उनके स्टूडेंट्स के दरमियान है और इस कॉन्वर्सेशन में वो आपस में 14 अगस्त के फंक्शन की तैयारियों से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। तो कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है? बातचीत, बिल्कुल ठीक। चलिए शुरू करते हैं और मिलकर पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए। स्टूडेंट्स, इसके बाद है कोलन, यानी कोलन के बाद जो भी लिखा है वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। स्टूडेंट्स यानी शागिर्द। अब आजकल उर्दू जबान में भी शागिर्दों और उसातजा के लिए स्टूडेंट और टीचर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम टीचर, यानी स्टूडेंट्स अपने टीचर को ग्रीट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। एक मरतबा फिर पढ़िए। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम टीचर, यानी स्टूडेंट्स ने कहा अस्सलामु अलैकुम टीचर। अब अगली लाइन, टीचर। वा अलैकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, यानी टीचर ने जवाब में कहा वा अलैकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम का मतलब है तुम पर भी सलामती हो। एक मरतबा फिर पढ़िए। टीचर। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब अगली लाइन, फायजा। टीचर, टुडे इज 14th August, यानी फायजा बोली टीचर आज 14th August है। 14th August यानी 14 अगस्त। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। फायजा, टीचर, टुडे इज 14th August, यानी फायजा बोली टीचर आज 14th August है। अब अगली लाइन, जैन, इट इज आवर इंडिपेंडेंस डे, यानी जैन बोला ये हमारा यौम आज़ादी है। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। जैन, इट इज आवर इंडिपेंडेंस डे, यानी जैन बोला ये हमारा यौम आज़ादी है। अब अगली लाइन, टीचर, आर यू रेडी फॉर 14th August फंक्शन। रेडी का मतलब है तैयार होना और फंक्शन का मतलब है तकरीब। तो टीचर ने कहा क्या आप 14 अगस्त की तकरीब के लिए तैयार हैं? एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। टीचर, आर यू रेडी फॉर 14th August फंक्शन, यानी टीचर ने कहा क्या आप 14 अगस्त की तकरीब के लिए तैयार हैं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ने क्या जवाब दिया? सारा, यस टीचर, आई एम रेडी फॉर माय स्पीच। स्पीच का मतलब है तकरीर। सारा बोली जी टीचर, मैं अपनी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। सारा, यस टीचर, आई एम रेडी फॉर माय स्पीच, यानी सारा बोली जी टीचर, मैं अपनी तकरीर करने के लिए तैयार हूँ।
अब अगली लाइन, जैन आई हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल सॉन्ग। प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार करना और नेशनल सॉन्ग कहते हैं मिल्ली नगमे को, यानी ऐसा नगमा जो हम अपने मुल्क के लिए गाते हैं। जैन बोला, मैंने एक मिल्ली नगमा तैयार कर रखा है। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, जैन आई हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल सॉन्ग, यानी जैन बोला मैंने एक मिल्ली नगमा तैयार कर रखा है। अब अगली लाइन, नासिर टीचर आई हैव ब्रॉट स्मॉल फ्लैग्स एंड कलर्ड रिबन्स। ब्रॉट का मतलब है लेकर आना, स्मॉल का मतलब है छोटे और फ्लैग्स का मतलब है झंडे, कलर्ड यानी रंगीन और रिबन्स क्या होते हैं, फीते जिनकी मदद से क्लासरूम या स्टेज को सजाया जाता है। रिबन्स को उर्दू में भी ज़्यादातर रिबन ही कहा जाता है। तो नासिर बोला, टीचर मैं छोटी झंडियाँ और रंगीन रिबन्स लेकर आया हूँ। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, नासिर टीचर आई हैव ब्रॉट स्मॉल फ्लैग्स एंड कलर्ड रिबन्स, यानी नासिर बोला टीचर मैं छोटी झंडियाँ और रंगीन रिबन्स लाया हूँ। अब अगली लाइन, टीचर वेरी नाइस नाउ स्टैंड अप एंड सिंग द नेशनल एंथम। टीचर ने कहा, बहुत खूब, अब खड़े हो जाइए और कौमी तराना पढ़िए। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, टीचर वेरी नाइस नाउ स्टैंड अप एंड सिंग द नेशनल एंथम, यानी टीचर ने कहा, बहुत खूब, खड़े हो जाइए और कौमी तराना पढ़िए। नेशनल एंथम का मतलब है कौमी तराना। चलिए अब मैं एक मरतबा इस कॉन्वर्जेशन को रवानी से पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। कॉन्वर्जेशन, स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम टीचर, टीचर वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, फाइजा टीचर टुडे इज 14th August, जैन इट इज आवर इंडिपेंडेंस डे, टीचर आर यू रेडी फॉर 14th August फंक्शन, सारा यस टीचर आई एम रेडी फॉर माई स्पीच, जैन आई हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल सॉन्ग, नासिर टीचर I have brought small flags and colored ribbons. Teacher, very nice. Now stand up and sing the national anthem. तो ये थी एक conversation जो एक teacher और उनके students के दरमियान थी। Conversation किसे कहते हैं? बातचीत को, बिल्कुल ठीक। और ये conversation किस चीज के मुतालिक थी? बिल्कुल सही, ये थी 14th August के फंक्शन से मुतालिक। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश जारी रखिए। इस तरह आप भी रवानी से पढ़ना सीख लेंगे।